तो फ्रेंड अगर आप अपने YouTube चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं गूगल एड को, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने जा रहे हैं, तो अपने YouTube चैनल की वीडियो को प्रमोट करने के लिए आप यूज करते हैं या स्किपेबल इन स्ट्रीम एड या आप यूज करते हैं डिस्कवरी एड। ये दो टाइप की एड्स हैं जो आप यूज करते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको लाइव शो करवाऊंगा अपनी एक सेम वीडियो के अंदर इन स्ट्रीम एड और डिस्कवरी एड दोनों चला के दोनों का रिजल्ट इस वीडियो में मैं आपको लाइव शो करवाने जा रहा हूँ कि किस पे कितने पैसे लगते हैं, कितने व्यूज मिलते हैं। और इस वीडियो में मैं या दरमियान में या इस वीडियो को एंड पे मैं आपको ये भी शो करवाऊंगा कि आपको इंस्टीम एड लगानी चाहिए या डिस्कवरी एड लगानी चाहिए, इंस्टीम एड के क्या बेनिफिट्स हैं और डिस्कवरी एड अगर आप लगाते हैं उसके क्या बेनिफिट हैं, इनके दोनों के नुकसान क्या हैं, कौन सी आपको लगानी चाहिए, ये इस वीडियो के दरमियान में या एंड पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो फ्रेंड मैं तकरीबन ये 40 से 50 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया है डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके, गूगल एड्स को यूज करके अपनी वीडियोज पे, और किससे क्या बेनिफिट मिलता है, किससे कौन सा बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलता है, ये मैं एक्सपेरिमेंट से सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो शो करवाता हूं कि कौन सी वीडियो के अंदर मैंने इनस्ट्रीम एड और डिस्कवरी एड दोनों लगाई है। तो चलिए ये देखिएगा रिजल्ट। तो पहले न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं, मैं पहले आपको डिस्कवरी एड जो है वो रन करके दिखाऊंगा और सेम वीडियो के बाद में हम इनस्ट्रीम एड रन करेंगे और दोनों के रिजल्ट आपको शो करवाऊंगा। ये लें जी, यहाँ पे हमने करना है जी कोई भी गोल नहीं सेलेक्ट करना, विदाउट गोल इस पे क्लिक करके हमने जाना है जी वीडियो पे और कर देना है कंटिन्यू, और यहाँ से भी आपने कर देना है जी सिंपल कंटिन्यू। और आगे ये मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि ये एड रन करना मकसद नहीं, यहाँ पे कैंपेन नेम जो है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा मकसद है इन स्ट्रीम एड, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड और डिस्कवरी एड दोनों में क्या फर्क है, क्या रिजल्ट मिलते हैं ये शो करवाना। यहाँ से मैं कोई भी ये 7000 बजट ये सारा लगाना नहीं है, थोड़ा सा बजट एक आध दिन का मैं चला के आपको शो करवाऊंगा। ये लें जी, यहाँ से बजट जो है हमने टोटल कंपेन का वो सिलेक्ट किया और नीचे एंड डेट जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ये कोई भी एंड डेट जो है कब तक कंपेन आपने रन करनी है ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और नीचे आपने ये मैं कंट्री जो है अपनी कंपेन पाकिस्तान और इंडिया में, यहाँ दो कंट्री में रन करना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों को आपने ये कस्टम सेलेक्ट कर लेनी है लोकेशन। नीचे आपने कोई भी सेटिंग नहीं छेनी, और नेटवर्क्स में आपको बताता चलूँ आपने ये YouTube वीडियो और YouTube सर्च रिजल्ट इन दोनों को चेक कर रहने देना, लास्ट वाले को आपने अनचेक कर देना है। चलिए जी ये हो गया अनचेक, और नीचे सेटिंग ये मैं आपको शो करवाता हूँ, कुछ भी नहीं करना, डिफॉल्ट ही रहने देनी है सारी। और डिवाइसेस पे आके आपने यहाँ पे सिर्फ मोबाइल पे ऐड जो है रन करनी है, बाकी जितने भी हैं ऑप्शन उनको हमने कर देना अनचेक, मोबाइल डिवाइसेस जो है ना वो ही बस आपने रहने देनी है, उन्हीं पे हमने ऐड रन करनी है। तो ये डिस्कवरी ऐड है, इसके बाद हम इन स्ट्रीम ऐड जो है वो भी रन करेंगे और दोनों को रिजल्ट मैं इसी वीडियो के अंदर शो करवाने जा रहा हूँ, और कौन सी आपको रन करनी है ये भी शो करवाऊंगा। यहाँ पे हमने बिडिंग सेलेक्ट करनी है, तो मैं एक रुपया एक व्यू का देना चाहता हूं, तो ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और यहाँ पे हमने वीडियो का URL जो है वो कॉपी करके ये इसी वीडियो की हम इंस्टीम एड भी इसके बाद रन करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं डिस्कवरी एड इसको करूंगा सिलेक्ट, ये देखिए जी, और यहाँ पे हेडिंग दूंगा और डिस्क्रिप्शन दूंगा और इसको कर दूंगा नेक्स्ट, कंटिन्यू कर दूंगा, तो ये हमारी एड जो है ये चल जाएगी। तो ये 2 दिन बाद इसका रिजल्ट जो है वो मैं आपको शो करवाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ जी ये क्रिएट करने जी इन स्ट्रीम एड, ये सेम वही वे है, सेम ऐसे ही हमने ये नाम लिखना है, बजट सिलेक्ट करना है और एंड डेट जो है ये मैं जल्दी जल्दी के वीडियो लंबी ना हो, ये देखिए एंड डेट हमने दी है, लोकेशन वही दी है और वही वैसे ही डिवाइसेस हमने सेलेक्ट करनी है। ये देखिए ये मोबाइल को सिर्फ सेलेक्ट करना है, और फर्क आना है एंड पे जिस जगह हमने डिस्कवरी एड को सिलेक्ट किया यहाँ पे फर्क आना है। ये देखिए मैं URL जो है वीडियो का वो करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हमने ये स्किपेबल इन स्ट्रीम एड ये इसको अब सिलेक्ट किया। अब इसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको दोनों के रिजल्ट। ये डिफॉल्ट चीजें कुछ थोड़ी सी आपने लिख लेनी है, ये हेडिंग है वीडियो की, डिस्क्रिप्शन है, ये आपने लिखनी है। अब ये पहले मैंने चलाई है जी डिस्कवरी एड, अब ये चल रही है जी स्किपेबल
इन स्ट्रीम एड। अब नेक्स्ट दोनों के रिजल्ट मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ जी। ये देखिए, ये आपने कोई भी एड ग्रुप का नेम दे देना है, कंटिन्यू क्रिएट। अब ये दोनों क्रिएट हो गए। ये देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है जी रिजल्ट। ये वाला जो रिजल्ट है अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये वाला डिस्कवरी एड का। ये देखिए, ये है जी व्यूज, ठीक है। और आगे मैं आपको ये देखिए, ये एक रुपया पड़ा है एक व्यू का, ये इतनी कॉस्ट पड़ी है जी। सेम जितने कॉस्ट है उतने व्यू है, मतलब कि एक रुपए में एक व्यू मिला। अब ये देखिए, ये दूसरा रिजल्ट जो है ये इन स्ट्रीम एड का, ये 400 इतने व्यूज मिले हैं, ठीक है। और हाफ रेट में 0.45 रुपीज में, ये देखिए 0.45 रुपीज में इतने में ये इन स्ट्रीम एड। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं आपको मजीद डिटेल में शो करवाता हूँ। ये देखिए, ये 415 व्यू मिले हैं और ये हाफ रुपए में, और ये देख ले स्किपेबल इन स्ट्रीम एड है जी। तो ये रेट देख लें, ये हाफ है उससे। तो फ्रेंड आपने देखा, तो अब बात कर लेते हैं इनके बेनिफिट्स की, इनके कि आपको कौन सी एड जो है वो स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड यूज करनी चाहिए या आपको यूज करनी चाहिए डिस्कवरी एड। तो बात करते हैं ये, पहले सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं, बाद में बताऊंगा कि मैं कौन सी रिकमेंड करता हूं आपने कौन सी यूज करनी है अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इन स्ट्रीम एड की, इन स्ट्रीम एड जो है अगर आप ये यूज करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है एड का, आपके जो चार्जेस हैं वो आपके तकरीबन हाफ लगेंगे अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए। करंटली इस टाइम जो है पाकिस्तान में, फ्यूचर में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये रेट में भी वेरी कर सकते हैं। करंटली इस टाइम जो है पाकिस्तान में अगर आप इन स्ट्रीम एड यूज करते हैं तो आपको तकरीबन 0.5 रुपीज जो है, 0.5 रुपीज इतना जो कह लें कि हाफ रुपया, ये एक व्यू का पे करना पड़ता है अगर आप यूज कर रहे हैं इन स्ट्रीम एड। इसके बरक्स अगर हम डिस्कवरी एड की बात करें तो आपको एक व्यू का 1 रुपया पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपकी वीडियो पे 1000 व्यू आ रहा है, तो आपको डिस्कवरी एड अगर लगा रहे हैं तो आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा गूगल को, गूगल एड को। और इन स्ट्रीम एड के केस में आपको 0.5 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। ये तो बात हो गई जी कॉस्ट की और व्यूज की, कितनी कॉस्ट में कितने व्यू मिलेंगे। अगर हम बात करें कि डिस्कवरी एड जो है वो इंगेजमेंट रेट जो है वो आपका बढ़ाएगी। इंगेजमेंट रेट किस सेंस में, कि आपके जो लाइक डिसलाइक की रेशियो है, सब्सक्राइब करने की रेशियो है, कमेंट की रेशियो है, ये अगर आप डिस्कवरी एड रन कर रहे हैं तो ये रेशियो ज्यादा होगी, लोग ज्यादा इंगेज होंगे आपकी वीडियो के साथ। और अगर आप यूज कर रहे हैं इंस्टीम एड तो मे भी आपको लाइक्स डिसलाइक कमेंट सब्सक्राइबर ये कम मिले, मगर इसका डिस्कवरी एड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका एक नुकसान है कि आपका कंटेंट अगर ज्यादा अच्छा नहीं है तो डिस्कवरी एड के केस में आपको डिसलाइक ज्यादा मिलेंगे। ये मेरा कह लेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। और अगर आप डिस्कवरी एड यूज कर रहे हैं तो एक होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, के आपके वीडियो को कितनी देर तक देखा गया, एवरेज जो निकलता है, मतलब 1000 बंदे ने देखा है तो 1000 बंदे का एवरेज निकलेगा। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ना वो डिस्कवरी एड से बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप इन स्ट्रीम एड यूज कर रहे हैं तो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ना वीडियो का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। और वो बेनिफिट आपको कब मिलेगा, अगर आपका वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो इन स्ट्रीम एड यूज करने से ज्यादा हो रहा है तो फ्यूचर के अंदर आपकी वीडियो रैंक करने का ज्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि मैं कौन सा वे जो है आपको रिकमेंड करूंगा। अगर पर्सनली मैं रिकमेंड करूं तो मैं फ्रेंड आपको रिकमेंड करूंगा इन स्ट्रीम स्किपेबल इन स्ट्रीम एड जो है ये यूज किया करें, आपके रेट कम में ज्यादा व्यू मिलेंगे। और अगर आपको लाइक सब्सक्राइबर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको क्या है कि आपका इन स्ट्रीम एड यूज करने से आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वीडियो का वो आपका इंक्रीज हो रहा है, उससे आपकी 1-2 वीक के अंदर रैंक के अंदर आने के चांसेस वीडियो के बहुत ज्यादा होते हैं। होप करता हूं फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज इसको कर दें लाइक, नए हैं चैनल पे तो इसको कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन है उसको भी कर लें प्रेस। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।